X9 News, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज स्पेशल प्रोग्राम में। ये तो हर कोई जानता है कि इन दिनों बॉलीवुड में एक ही खबर है जो काफी ज्यादा ट्रेंड में छाई हुई है और वो एक खबर ये है प्रियंका और निक की रोका सेरेमनी। दरअसल फैंस को 18 अगस्त के मौके पर जब ये खबर सामने आई और जब ये खबर उन तक पहुंची तो हर एक फैंस के चेहरे पर खुशी दिखी, क्योंकि काफी दिनों से फैंस जो है वो इस घड़ी का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। दरअसल जब से ही प्रियंका और निक को एक साथ देखा जा रहा था तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बेहद ही जल्द शादी कर लेंगे। ऐसे में जब प्रियंका ने अपनी जिंदगी का खास दिन यानी अपने बर्थडे को एक खास स्पेशल बंदे के साथ यानी निक के साथ सेलिब्रेट किया तब ये खबरों का बाजार गर्म हो गया। तब कहा गया कि प्रियंका और निक ने सगाई कर ली है। ऐसे में फिर प्रियंका निक को इंडिया लेकर आई। इंडिया जब वो आए तब उन दोनों को यहाँ पे अंबानी की पार्टी में भी देखा गया, जहाँ काफी ही ज्यादा ये कपल खूबसूरत दिखा। ऐसे में अब तक किसी ने भी अपने इस रिश्ते की ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की थी, मगर फाइनली 18 अगस्त का वो मौका आया जब इनके रिश्ते को मोहर लग गई और रोका सेरेमनी रखी गई। अब आप इस प्रोग्राम में ये देखेंगे कि जहाँ पे प्रियंका के इस बेहद ही खास दिन में बॉलीवुड के ज्यादातर सितारों ने शिरकत ली, साथ ही साथ आपको बता दें देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की फैमिली को भी वहां पर देखा गया था, तो ऐसे ही खास दिन में एक खबर सामने आ रही है और वो ये है कि रोका सेरेमनी में केक कटिंग सेरेमनी भी थी। आप इस प्रोग्राम में देखेंगे कि आखिरकार जो केक काटा गया है वो कोई आम केक नहीं है। दरअसल आपको जाते जाते एक हिंट दे देते हैं कि वो केक इतना हैवी था कि उसको उठाने के लिए 3 लोग आए थे। आखिरकार इस केक में क्या खासियत है आप जानेंगे हमारे इस प्रोग्राम में, तो चलिए आपके इंतजार को खत्म करते हैं, आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा जो बेहद ही जल्द विदेशी होने वाली है, हाल ही में 18 अगस्त को मैकडॉनल्ड्स से रोका सेरेमनी कर प्रियंका की इस खुशी में बॉलीवुड के तमाम सितारों ने शिरकत ली। बता दें कि हाल ही में प्रियंका ने रोका सेरेमनी में एक बेहद ही ज्यादा खूबसूरत केक काटा गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये केक कितना ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही साथ अगर इस केक की खासियत की बात करें तो आपको बता दें कि इस केक को उठाने के लिए 3 लोग आए थे, जहां कहा जा रहा था कि 15 किलो की वूपिंग इस केक पे की गई है। साथ ही आप तस्वीर में देखेंगे कि इस केक में जो लीव्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो 24 कैरेट गोल्ड से बने हैं, जो काफी ही ज्यादा खूबसूरत अंदाज में केक की शोभा को बढ़ाते हुए दिखाई दिए। ये तो आपने देख ही लिया कि कितना खास रहा प्रियंका और निक की रोका सेरेमनी का केक, जिस केक ने हर किसी के दिलों पे अलग ही जगह बना ली। दरअसल ये केक आम भी तो नहीं है, आपने देखा, हमने आपको दिखाया कि ये केक बेहद ही खास है। आपने जाना कि इस केक को उठाने के लिए एक नहीं बल्कि 3-3 लोगों का वहां पे मौजूद थे। 3 लोग इस केक को लेके आए और इतना ही नहीं, इस केक की जो पेटल्स हैं वो भी गोल्ड की है, जिससे मानो हर कोई हैरान रह गया। आपको बता दें प्रियंका और निक की रोका सेरेमनी का इंतजार बेसब्री से फैंस को था, क्योंकि प्रियंका और निक की शादी और सगाई की खबरें काफी दिनों से सुर्खियां बटोर रही थी। दरअसल ये सुर्खियां तो तभी शुरू हो गई जब प्रियंका निक को एक साथ देखा जा रहा था, तभी से हर कोई अंदाजा लगाने लगा कि प्रियंका ने बेहद ही जल्द शादी कर लेंगे। ऐसे में जब प्रियंका ने अपने बर्थडे के मौके पर निक से सगाई कर ली तब ये खबरों का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया। अब आपको दिखाएंगे हम इनकी आखिरकार इनकी रोका सेरेमनी जो बेहद ही खास रही। आपने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये दोनों इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करते दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि रोका सेरेमनी के बाद इनकी एक पार्टी रखी गई थी, जी हाँ, जिस पार्टी में बॉलीवुड के तमाम सितारे भी मौजूद दिखे और साथ ही साथ यहाँ पे देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को भी देखा गया था। अब आप इस वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार कौन कौन यहाँ पर शिरकत लेता दिखा और कौन कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा था।
सामने लेफ्ट राइट कुछ नहीं अर्पिता सोलो अर्पिता अर्पिता सोलो अरे बाबा पहला पार्टी में तू आया हम नहीं आए। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा स्पेशल प्रोग्राम में जहां पे हम बात कर रहे हैं प्रियंका और निक की रोका सेरेमनी को लेकर, उनसे जुड़ी तमाम चीजें हमने आपको दिखाई, तमाम हमने आपको वीडियोस भी दिखाई जो रोका सेरेमनी थी। खास बात, जाते जाते मैं आपको इस पे हिंट दे गई थी कि उस केक को उठाने के लिए 3 लोग आए थे। दरअसल आपको बता दें कि उस केक की खासियत ये थी, आपने तस्वीरों में देखा होगा कि वो केक देखने में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत था, और उस केक में खासियत ये थी कि वो केक आम केक नहीं बल्कि सोने का केक था। दरअसल आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं कि केक कैसे सोने का हो सकता है। आपको बता दें, आपने अगर तस्वीरों को गौर से देखा हो तो वो केक जो था वो 3 फ्लोर्स में बटा हुआ था, और उस केक पे जो लीव्स आ रही थी यानी जो पत्तियां थी वो सोने की बताई जा रही हैं। जी हाँ, अपने आप में ही काफी ज्यादा हैरान करने वाला केक प्रियंका ने अपनी रो के सेरेमनी में रखा। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि किस तरह से जो केक था वो इतना हैवी था कि उसको उठाने के लिए एक नहीं बल्कि 3-3 लोग उसको अंदर लेके आए थे। हालांकि प्रियंका की रोका सेरेमनी थी, कोई छोटी बात थी ही नहीं जो आम केक वहां होता। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आपने देखा कितनी खूबसूरत तरीके से प्रियंका यहाँ पे निक के साथ अपनी रोका सेरेमनी से पहले पूजा करती भी दिखाई दी। वहीं आपने ये देखा कि बॉलीवुड के कौन कौन से सितारों ने शिरकत भी ली। जहाँ पे रोका सेरेमनी हो चुकी है, सगाई पहले हो चुकी थी, तो वहीं अब हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है, और वो ये है कि आखिरकार शादी कब होगी। खबरें ऐसे कह रही हैं कि प्रियंका और निक जो हैं वो इस साल अक्टूबर में शादी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि वो डेट कौन सी होती है, इस साल शादी होती भी है या फिर नेक्स्ट ईयर का इंतजार हमें भी और आप सभी को करना होगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।